आज बनाते हैं मैंगो आइसक्रीम रोल्स, ठीक है? तो मैं यहाँ ना दूसरे वाले प्रोसेस से बना रही हूँ, जैसे मैंगो प्यूरी टाइप से बना के तब बना रही हूँ। आप ना नॉर्मल एक प्रोसेस से बना सकते हो, जैसे सिंपल बेसिक सा मैंगो लिया छील काट के और फिर उसमें क्रीम डाल के, मतलब वो जो प्लेट में बनाते हैं ना उसमें मैश मूश करके वैसे भी बना सकते हो, पर मैं प्यूरी टाइप से बना रही हूँ। मेरे को लग रहा है कि प्यूरी बनाऊंगी तो वैसे बन जाएंगे रोल्स, ठीक है? मतलब ये मेरी अंदर की फीलिंग कह रही है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने दो मैंगो ले लिया और उनको छील लिया काट लिया, ठीक है? पता है मेरे को ना ऐसा भी, अगर नहीं भी बनेगी ना तो मेरे पास ना एक आज, मतलब अब ना मेरे पास एक है चीज़ जिससे हम इसको बना सकते हैं। मतलब अगर आप अंटू छूरी की वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन समझ गया कि मेरे को, मैं मतलब मेरे पास क्या है इस चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है? कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं देखूंगी कौन कौन फंटू छोड़ी के वीडियोस चेक करता रेगुलरली, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंगो को छील लिया, काट लिया और उसके छोटे छोटे पीसेस करके रख लिया, मतलब मिक्सी के पॉट में डाल लिया। फिर उसमें मैंने थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डाली और थोड़ी सी चीनी डाली, मतलब थोड़ी सी नहीं, दो चम्मच चीनी अच्छे से डाल देना ना तो अच्छा लगता है बाद में आइसक्रीम बन के, क्योंकि आइसक्रीम में ना अगर कम चीनी डालेंगे तो फिर वो ना फिर फीकी फीकी सी लगती है, मेरे को तो नहीं पसंद है यार। मेरे को थोड़ी सी अच्छी तरह से चीनी डाल के तब पसंद है आइसक्रीम में, ठीक है? फिर इसको मैंने ब्लेंड कर लिया और एक जैसे प्यूरी टाइप से बन गई। और इसी को भी जमा लो, इसी को खा लो, ये भी बड़ी मस्त लगती है, ठीक है? तो हम तो रोल्स बना रहे हैं ना, तो मैंने ये वाली मेरी प्लेट ली और इसमें इसको ना मिक्सचर को इस तरह से फैला दिया, मतलब मैं एकदम पतली लेयर फैलाना चाह रही थी पर इतनी पतली भी नहीं हो पा रही थी, तो ठीक ठाक सी मैंने फैला दी। इनका चलो यार देखते ही बनते कि नहीं बनते, अब नहीं बनेंगे ना तो कर लेंगे आराम से, दोबारा से बना के कर लेंगे, ठीक है? तो मैंने इसको ओवरनाइट फ्रीज कर दिया। इसके बाद ना, फिर फ्रीज़ करने के बाद ना, जब मैं नेक्स्ट डे अभी शूट कर रही हूँ ना, इससे पहले मैंने इसको ट्रे को ना 5-10 मिनट पहले ही बाहर निकाल लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जम रही थी। तो वैसे तो जमी हुई बिल्कुल नहीं हो पाती, रोल्स नहीं कट पाते, पर वो ना मतलब पता नहीं, वैसे भी नहीं कट पाए बाहर रखने के बाद भी 5-10 मिनट तो भी नहीं कट पाए यार। देखो कैसे बनाए, मतलब रोल्स नहीं बने यार प्रॉपर। चलो यार, मतलब अब मेरे पास इलाज है इस चीज़ का, तो मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन समझ गया, ठीक है? चलो आज की वीडियो को शॉर्ट आउट द स्टाइल हब को जाता है। अगर आपको भी शॉर्ट आउट चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो थम्स अप। चलो बाय।